You color my life, you break the line, I'm falling for you. आई होप कि अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है आप सबका पुणे ब्लॉगर छवि में और मैं हूँ छवि। वो तो आप लोगों को पता ही है कि मैं छवि हूँ, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि दो दिन पहले जो मैं वीडियो अपलोड की थी उसको आप लोगों ने पूरा नहीं देखा। वेरी बैड पूरा नहीं देखा, क्योंकि उसके बीच उस वीडियो में मैं एक ऐसा कमेंट, एक ऐसा चीज़ बोली थी जिसमें जिसका रिप्लाई, मतलब जो मैं एक वर्ड बोली थी कि वर्ड बोल दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए वो वर्ड नहीं बोलूँगी। एक चीज़ मैं बोली थी कि अगर आप लोगों को चाहिए तो बोलिएगा, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान जो है वो मुझे उस वीडियो के रिलेटेड जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, सिर्फ एक ही इंसान। यहाँ पर कमेंट को मैं पिन कर रही हूँ, सिर्फ एक ही इंसान उस वीडियो को लास्ट तक देखे ये और उस कमेंट कर को भी मुझे बोले, बाकी किसी ने पूरा नहीं देखा वीडियो। नहीं तो कम से कम जो कुछ लोगों से मुझे पता था कि कुछ तो है जो बोलेंगे जरूर मुझे, उन्होंने भी नहीं बोला। मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, यानी जस्ट अभी ये गुडवाइस का जो रोजी फ्रेंच है ना, इसका इस्तेमाल की हूँ मैं अपने फेस के ऊपर पूरा रेंज का, बस इतना फेस फील हो रहा है ना। इसके पहले रोजी सीरम मैं लगाई हूँ अपने फेस के ऊपर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसको लगाने के बाद, रोजी सीरम लगाए इतना अच्छा फील हो रहा है ना, फेस फील हो रहा है, नहीं फील, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है फेस के लग। एक्चुअली अगर आप मीन्स 16 प्लस होना, मतलब 16 के होना, तो आपके लिए रोजी रेंज जो है बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड भी और स्किन को वाइटन भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है रोजी रेंज जो है टीनेजर्स के लिए बहुत सही, जबकि मैं जब यूज़ की हूँ तो मुझे बहुत अच्छा। लोगों को डे 8 से लेकर के डे 15 तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 7, 15, मैं पूरे 1 वीक के लिए आपको मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मैं बना करके रख चुकी हूँ, अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको लेना है, लोगों को मैं बताती हूँ कि आपको अंडर आई डार्क सर्कल, आई पफिनेस, आई बैग के लिए क्या करना है, वो भी एक दिन का नहीं, पूरे 7 डेज का आपको बताती हूँ। जो आपके आँख से रिलेटेड जो आपके जो भी परेशानी है, डार्क सर्कल, आई पफिनेस, आई बैग, इन सब के ऊपर जो है वो काम करने वाला है, 7 डेज के लिए बता दूँ, एकदम नोट डाउन कीजिएगा। ओके, इस थंबनेल में ये जो मैं टाइटल डालूंगी उसमें मैं डाल दूंगी डे 8 to day 15 तक। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 स्पून एलमंड ऑयल, बादाम का तेल, कोई भी बादाम का तेल, लेकिन वो बाल में जो लगाते हैं ना, ब्राह्मी, आंवला, रीठा, वो वाला ना लेना है आपको। आपको लेना है या तो आप रोवन बादाम ले सकते हो, या फिर आपका जो भी फेवरेट ब्रांड हो उस ब्रांड का आप ले सकते हो, तो जो भी जिस ब्रांड के भी ऊपर भरोसा उस ब्रांड का आप एलमंड ऑयल ले सकते हो। तो 1 चम्मच लेना है आपको बादाम का तेल, उसके अंदर आपको डालना है 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ना, वो टुक से फोड़ना है, टुक से उसके अंदर डालना है, यानी कि 1 चम्मच बादाम के तेल के अंदर आपको डालना है 2 फुटुक फुटुक करके विटामिन ई के कैप्सूल्स। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है, अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो, 1/4 विटामिन ई ऑयल डाल सकते हो। ओके, दोनों ऑप्शन आपको मैं बता दी। अब जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट का कैरियर ऑयल्स है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास कैरियर ऑयल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसके अंदर नॉर्मल जो पैरासूट का ऑयल आता है वो भी डाल सकते हो। अब पैरासूट ऑयल आपको कितना डालना है, तो कितना डालना है वो भी आपको डालना है 1/4, ठीक है, 1/4 वो भी आपको डालना है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कोई भी कांच के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में साफ सुथरे में आपको स्टोर कर देना है, रूम टेम्परेचर में आपको स्टोर करना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रिज में स्टोर करो, रूम टेम्परेचर में आपको इसको स्टोर करना है।
अब आपको क्या करना है, जब भी आप सार लेने वाले जाने वाले हो, तो जब भी आप नहाने जाने वाले हो, तो उसके पहले डिप करना है ऑयल के अंदर और पूरा ऐसे आपको पूरा अंदर आई मसाज करना है, पूरा एक मिनट तक आपको मसाज करना है। उसके बाद उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, एक मिनट मसाज 15 मिनट के लिए छोड़ना है एक मिनट, उसके बाद आपको साड़ लेने चले जाना है। जब आप नहा करके निकलते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रीम है उसको आपको लगा लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये तो डे टाइम की बात हो गई, अब आपको नाइट टाइम में करना क्या करना है, नाइट टाइम में जो मैं ये ऑयल बता रही हूँ उससे आपको फिर से 1 मिनट मसाज करना। मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, जो मैं DIY क्रीम बताई हूँ नाइट पे, उसको आपको अंडर आई लगा लेना है, मसाज नहीं करना है, अंडर आई लगा लेना है और ओवरनाइट सो जाना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंडर आई रिंकल्स, डार्क सर्कल, आई पफिनेस जो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तो जो मैं DIY क्रीम आपको बताई हूँ वो सिर्फ 7 डेज यूज करना है, 7 डेज के बाद फिर से आपको नया बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे। You call my life, you break the line, I'm falling for you, you're stuck in